हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित सैनी और 4 सितंबर के हिंदू अनालिस में आपका स्वागत है। और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ एंड नीड्स एजेंडो का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और पॉपुलिस्ट लीडर्स के ऊपर है, बात करता है डेमोक्रेसीज़ और अथॉरिटेटिव वेज़ की। नेक्स्ट एक बायलैटरल ट्रेड के ऊपर आर्टिकल है, ये सब डिस्कस करेंगे हम। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एड्स वाला पेज है वो आज नहीं है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे वीडियो के आपको मिल जाएगा और PDF आपको उसी फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएंगी। तो ये वर्ड्स कुछ मुझे आज मिले हैं, इनको आप ट्राई करना। और पहला आर्टिकल जो है ऑन द एज, ये इकोनॉमी के रिगार्डिंग है और उन्होंने नंबर्स यहाँ पर दिए हैं। तो GS पेपर 2 और 3 के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, ऑन द वर्ज ऑफ स्टालिंग, मतलब कि बिल्कुल रुक सा गया है इकोनॉमी का जो साइकिल है, बिजनेस साइकिल जिसको बोलते हैं, और साइक्लिक होता है, आपको पता ही है। एक्सपांशनरी मेजर्स अभी अपनाए जा रहे हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम की गई है और बूस्ट और किक देने की कोशिश की जा रही है कि ये साइकिल चले। लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसे में लोगों के पास पैसा कैसे पहुंचे, उसके लिए स्टेप जो है उठाने ज़रूरी है। जैसे कि नरेगा की बात हो रही है, पे कमीशन जैसे होता है, ये चीज़ें जो होती हैं वो लोगों की इनकम को बढ़ाती हैं और उससे वो फिर मार्केट वगैरह में जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन पे कमीशन अभी नहीं है, नरेगा के अंदर भी ऐसा कोई बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सीन जो है वो अभी तो नहीं दिख रहा है। तो इसलिए जो एक्सपांशनरी मेजर्स हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट की तरफ से ही दिख रहे हैं। और कुछ टैक्सेस में कटौती करने की बात है जो कि FPIs वगैरह के लिए अनाउंस किए गए थे, और कुछ और इश्यूज हैं। तो टैक्स कट जो होते हैं वो भी एक्सपांशनरी मेजर्स ही एक तरह से होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए इस टाइम पर जो डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की, DI, डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, मतलब कि टैक्स चुकाने के बाद में जो आपकी इनकम बचती है वो नहीं है, वो कम है। इसलिए ये सारा जो इशू है डिमांड का वो गिरा हुआ है, और उसके कारण सप्लाईज भी नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो फिर वर्कर्स के लिए जॉब नहीं है, और लेबरर्स जो हैं वो बिना जॉब के घूम रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो ये इन सब चीज़ों के कारण जो है वो स्टॉलिंग, मतलब कि रुक सा गया है इकोनॉमी का साइकिल। अभी ये कह रहे हैं कि जो 5% आया है नंबर अप्रैल से जून वाला, 6 साल में सबसे लोवेस्ट है। प्राइवेट कंजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो बहुत उसमें बड़ा डिक्लाइन आया है, 7.2% से 3.1% पे आ गया है, मतलब आधे से भी बहुत कमी हो गया है। और पिछले साल इस टाइम पर ये 7.3% पे था। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है, ये प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो उसके स्पेंडिंग कम होने के कारण। इसका मतलब ये है कि डिमांड बिल्कुल ही लो है। एक है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF। GFCF एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिंबल होता है, एक आइकॉनिक चीज़ होती है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कैसी चल रही है, कितना कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। और उसके अंदर 13.3% का ग्रोथ रेट था एक साल पहले, आज वो 4% के ऊपर है। तो ये चीज़ें जो है वो क्लियर सिम्टम्स हैं, क्लियर एग्जाम्पल्स हैं कि जो ये बताते हैं कि पूरा स्टैग्नेशन का फेज़ एक चल रहा है। ऐसे ही जो जो RBI ने जो अभी एनुअल रिपोर्ट जो निकाली है, रिलीज़ की थी, RBI वाले जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन या मॉडरेशन की बात की गई है, मतलब कि उसमें इंक्रीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और ग्रॉस वैल्यू एडिशन, देखिए कई मेथड होते हैं, एक तो GDP के अंदर ये हम देखते हैं कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ है उसका वैल्यू निकालते हैं। उसका एक तरीका होता है GVA की, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की, हर चीज़ में वैल्यू एड होती है। कोई भी प्रोडक्ट बनता है, अलग अलग स्टेज से गुजरता है, तो लास्ट में क्या देखते हैं कि भाई कितना कितना वैल्यू एड हुआ हर स्टेज पे, उस हिसाब से वैल्यू एडिशन करके निकालते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो ये बताती है कि भाई कितना जो है हमारा ग्रोथ रेट आया है। तो GVA के थ्रू भी, और जहाँ 9.6% पे था और ये 5.7% पे आ गया है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि भाई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स तभी बनते हैं जब डिमांड अच्छी होती है, और मैन्युफैक्चरिंग में जो GVA है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो 8 क्वार्टर्स की सबसे लो है। मतलब कि 8 क्वार्टर्स का मतलब ये है कि 3 साल से सबसे लो पे है, 0.6% के ऊपर है। ये बहुत चिंताजनक आंकड़ा है, सबसे ज़्यादा चिंताजनक आंकड़ा यही है मैन्युफैक्चरिंग GVA का, मतलब इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही जो है वो दबी इस टाइम पर हुई है। नेक्स्ट, एक RBI सर्वे करता है 3 महीनों में, कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एक उसका होता है, और वो देखता है कि कंज्यूमर्स को कितना कॉन्फिडेंस है, वो किस हिसाब से जो है स्पेंडिंग कर रहे हैं, और उन और इन्वेस्टमेंट जो है वो किस हिसाब से एक्सपेक्टेड हो सकता है नियर फ्यूचर के अंदर। लेकिन अभी जुलाई सर्वे में ये सामने आया कि 63.8% लोग जो हैं वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कर रहे हैं, मतलब कि सोच सोच कर स्पेंडिंग कर रहे हैं, और उनको कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो गया। तो 63.8% लोगों को कॉन्फिडेंस कम है, और जून में 18 की बात करें
तो ये 37.3% लोग ही ऐसे थे जो कि सोच रहे थे खर्चा करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले. तो ये नंबर जो है वो लगभग दुगुना हो गया है. ऐसे लोग जो है 63.8% लोग जो है वो सोच समझकर स्पेंडिंग कर रहे हैं. इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि स्पेंडिंग नहीं हो पा रही है, और स्पेंडिंग नहीं है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट स्टक है और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई भी स्टक है, और उसका एक बड़ा रीज़न डिमांड भी स्टक है. ऑटो सेक्टर के अंदर जो स्लंप आया है, जो दिख रहा है कि भाई जैसे मारुति वगैरह है जो सबसे ज़्यादा जिनकी सेल होती है, उनकी सेल काफ़ी गिर गई है. और ओवरऑल और कार्स दोनों स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर और बड़ा गिरावट है उसके अंदर. और फार्म सेक्टर की बात करें तो लो इनकम ट्रैप में फंस के रह गए. देखिए फार्मिंग की तो बात ही नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ा इशू है. फार्मिंग इनकम को डबल करने का गोल है 2022 का, लेकिन डबल कहाँ से होगा? यहाँ पर तो इनकम गिर रही है लगातार और उसकी बात ही नहीं हो पा रही है. अब जहाँ गिरी हुई इनकम से अगर हम उसको डबल करना चाहेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली डबल तो हो ही जाएगी. अब जहाँ पर डबल के नाम पर अगर फार्मर को 5-6 हज़ार रुपये इनकम मिलती है तो वो कोई इनकम थोड़ी है. सिर्फ डबल करना ही गोल नहीं है, कहाँ से डबल करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. लेकिन इसकी बात नहीं हो पा रही है, ये एक बड़ा इशू है. और जहाँ हमारा 5.1% का कुछ सालों पहले जो ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर के अंदर 13-14 के अंदर, और ये आ गया है 2% से भी नीचे, ये रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है. और ये ऑफिशियल डेटा है, इसलिए इसके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन भी कोई ऐसा नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग ये नहीं है. तो इसलिए ये इशू बड़ा ही ग्लूमी पिक्चर जो है वो दिखाता है इकोनॉमी की. ये नंबर्स के ऊपर बात की गई. अब इसके ऊपर, इन सब इश्यूज़ के ऊपर गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे. हालांकि एकदम से नहीं होता, इकोनॉमी लैग्स के साथ चलती है. मतलब आज कुछ डिसीजन लेंगे तो उसका कुछ टाइम बाद में उसका रिजल्ट आएगा. लेकिन अभी तो इमरजेंसी जो है डिसीजंस लिए गए हैं, जो अभी अनाउंसमेंट्स हुए थे कुछ, और उनके रिगार्डिंग क्या असर आता है. हालांकि एक्सपर्ट्स तो यही बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इससे कोई पॉजिटिव फ़र्क इतना नहीं पड़ने वाला है कि वो जो विजिबल हो इकोनॉमी के अंदर. तो ये प्रॉब्लम वाला फेज़ है बहुत ज़्यादा, देखते हैं कैसे हम इससे बाहर निकलते हैं. ये एक टेस्टिंग फेज़ भी है फिनेंस मिनिस्टर के लिए, और अगर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो वो काफ़ी एफिशिएंसी उनकी मानी जाएगी, और नहीं निकल पाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी. ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है निर्जा चंडोक का, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए जीएस पेपर 2 के लिए भी और ऐसे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक ये है. ऐसे के लिए बात ये करता है डेमोक्रेसीज़ की. इन्होंने बोला है कि भाई जब देशों को आज़ादी मिली थी तो खासकर जो कोल्ड वॉर फेज था उस टाइम पर देशों ने आज़ादी, अधिकतर देशों ने आज़ादी एंजॉय की थी. और एंजॉय का मतलब ये कि एक्सपीरियंस किया शुरुआत में. एंजॉय तो अपने आप ही होता है क्योंकि लंबे टाइम के कॉलोनियलिज्म के बाद में, गुलामी के बाद में अगर आज़ादी मिलती है तो उससे खुशी की बात कोई नहीं होती है. तो सिविल लिबर्टीज़ जो हैं उनकी बात सबसे पहले की गई थी. तो सब देशों के लिए प्राइम चीज़ जो थी वो लिबर्टी थी उस टाइम पर. आज भी है, हमेशा रहेगी लिबर्टी इंसान के लिए, हमेशा रहेगी. उस टाइम पर उसका सिग्निफिकेंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा था. अब देखिए सेटअप भी इसको किया गया, इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक बनाए गए, इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं वो भी उसी फ्रेमवर्क पर काम करती हैं. फाइनेंशियल एड जो मिलती है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इन सब की प्री कंडीशन ये रहती है कि डेमोक्रेसीज होनी चाहिए. किसी ऑटोक्रेसी को, किसी किंगडम को हम पैसा नहीं देने वाले. तो इसलिए भी जो है यही पर्टिकुलर वे जो है वो एस्टेब्लिश हुआ. लेकिन ये कह रहे हैं कि एक डिबेट चलती है मिनिमलिस्ट और मैक्सिमलिस्ट थियोरिस्ट की. तो अपने अपने ओपिनियंस हैं उसके अंदर, ठीक है. लेकिन सबने ये चीज़ ज़रूर मानी कि भाई गन्स कोई इलाज नहीं है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हैं उनको बेसिक सर्विसेज देनी पड़ेंगी, ये कंडीशन होनी चाहिए उनके ऊपर. इसलिए हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर उनके लॉज के अंदर ये चीज़ जो है वो प्राइम है. लेकिन राइट विंग पॉपुलिस्ट जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जहाँ पर पॉपुलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो पॉपुलेशन जिस तरह से बात करती है, जैसा उनका दिमाग है, जैसे वो लोग हैं, जैसे उनकी सोच है, जैसे उनके आइडियाज़ हैं, उसके हिसाब से जो बातें करते हैं, मतलब कि उनके कोई इम्प्रूवमेंट हो उसके अंदर, वो उनका गोल नहीं है. उनका गोल बस ये है कि उनके हिसाब से बात होनी चाहिए, कि जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ हमारी बात हो रही है. और इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है कि अवेयर पब्लिक अगर होती है तो अवेयर पब्लिक के हिसाब वो का नंबर ज़्यादा है मान लीजिए, और एजुकेशन ज़्यादा है, अवेयर लोग ज़्यादा हैं, तो उनके हिसाब से बात होगी तो वो प्रोग्रेसिव बात होगी. लेकिन अगर देश के अंदर पुअर, अनएजुकेटेड, अनअवेयर और कुछ रिलीजियस फैनेटिक लोग या फिर कुछ इस तरह से जो लोग हैं उनका अगर पॉपुलेशन किसी देश में ज़्यादा होता है तो वहाँ पर पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट जो होंगी उनके डिसीजन कोई प्रोग्रेसिव नहीं होंगे. वो बहुत आसानी से एक तो मैनिपुलेट कर सकते हैं माइंड्स को, और इस पॉपुलिज्म के नाम पर और कुछ अथॉरिटेटिव वेज भी बहुत आसानी से चलाए जा सकते हैं. क्योंकि लोग जो हैं, एक तो उनका इन्वॉल्वमेंट इतना प्रोग्रेसिव नहीं होता हर चीज़ के अंदर,
और वो उन पर डिपेंडेंट होते हैं लीडर्स के ऊपर. प्रोग्रेसिव लीडर आया और सेक्रीफाइस करने वाला लीडर आया तो वो देश को आगे ले जा सकता है, और अगर कोई ऐसा आया कि जो फ़ायदा उठाने वाला आ गया और सिर्फ पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ही उसका गोल है तो वो उस देश के अंदर जहाँ पर अधिकतर पॉपुलेशन जो है वो बैकवर्ड है वहाँ पर फिर प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी और वहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी खड़ी होकर, फ्यूचर के लिए बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी और डेमोक्रेसी नहीं रहेगी इन दी एंड, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट है और वो उनके वोट्स पर डिपेंडेंट है. तो ये इशू जो है वो पॉपुलिस्ट लीडर्स का होता है. दो तरह के हो सकते हैं पॉपुलिस्ट लीडर्स. इसमें डिपेंडेंसी होती है एक अच्छे लीडर के ऊपर, वो होता है तभी प्रोग्रेस हो पाती है. अब देखिए राइट विंग पॉपुलिस्ट जो है वो हमेशा ही अपने एक्सट्रीम ओपिनियंस रखते हैं, और राइट विंग पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया इन दी एंड कि उस जिस तरीके के हमने बात की पॉपुलिज्म की उसके ऊपर उनका एकदम पूरा एक्सट्रीम जो है फेवर्ड ओपिनियन रहता है उनका कि हाँ यही बिल्कुल सच है, जो लोग कहते हैं वही होना चाहिए, हम लोगों की मानेंगे चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे सब लोग कल को ये बोल दें कि भाई कुएं में पड़ मरो जाके, तो भी वो गवर्नमेंट वैसा ही करेंगे क्योंकि लोग चाहते हैं. अब इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट चाहती है वो अपना कोई उनका प्रोग्रेसिव एजेंडा नहीं रहता है, लोगों के हिसाब से उनका एजेंडा तय होता है. ये होता है पॉपुलिज्म का इशू. और अधिकतर पॉपुलेशन को, मेजोरिटी को, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट क्या करती है मेजोरिटी के अंदर कैसे सेटिस्फेक्शन हो और उसके उससे वोट कैसे मिले, उस हिसाब से पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स काम करती हैं. अब इंडिया में जैसे मान लीजिए वेलफेयर स्कीम्स जो आती है इनको पॉपुलिज्म स्कीम बोलते हैं, पॉपुलिस्ट स्कीम्स. पीएम किसान योजना आती है तो वो पॉपुलिस्ट स्कीम कहलाती है क्योंकि अधिकतर पॉपुलेशन को वो सपोर्ट करती है और उससे वोट एक्सपेक्ट किए जाते हैं. ये बिल्कुल सच बात है क्योंकि ये तो क्लियर है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भाई ये इलेक्शंस के टाइम पर ऐसी स्कीम्स लॉन्च होती हैं और हमेशा इससे एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि भाई जो बड़ा जो ग्रुप है जिसको टारगेट करके पॉपुलिस्ट स्कीम आ रही है उससे वोट मिलेंगे सरकार को. ये ऐसा होता है चाहे वो हाउसिंग स्कीम्स हों चाहे वो कोई इनकम सपोर्ट स्कीम्स हों. अब देखिए डेमोक्रेटिक थ्योरी जो है वो अगर सही में अप्लाई होती है तो उसका मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश की जानी चाहिए और उसके हिसाब से और काम होना चाहिए. इसमें किसी ह्यूमन इंटरवेंशन जो होता है या फिर किसी आदमी का जो डिस्क्रिप्शन होता है या फिर उनका जो ओपिनियन होता है उससे काम नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर. डेमोक्रेसी में काम इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए. हमारे पास में पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन हैं और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के इंस्टीट्यूशन हैं और RBI है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है. तो ये इंस्टीट्यूशन है वो काम करती है डेमोक्रेसी के अंदर. एक बात बोली जाती है US सिस्टम के अंदर, कई बार ये कंपेरेटिव जब स्टडी होती है कि भाई US का सिस्टम इतना प्रोग्रेसिव क्यों रहा और इतना ग्रोथ कैसे हो पाया, इतना मजबूत नेशन कैसे बन पाया, तो एक बात सब हर एक्सपर्ट बोलता है कि वहाँ के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं और इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हैं इसलिए ये काम जो है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हो पाया. हालांकि अब जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग एक फेज़ चल रहा है अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर लगभग दो डेकेड से, लेकिन इंस्टीट्यूशन पास्ट में बड़ी स्ट्रांग रही हैं. हालांकि उन्होंने दूसरे देशों के लिए इतना नहीं सोचा लेकिन खुद के देश के अंदर इंस्टीट्यूशन को काफ़ी स्ट्रांग रखा है और वहाँ पर सिविल लिबर्टी, सिविल सोसाइटी ये भी काफ़ी स्ट्रांग रही हैं. तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मजबूत होनी चाहिए. और आज सबसे बड़ा दिक्कत हमारे देश के अंदर ये आ गई कि इंस्टीट्यूशंस की लिबर्टी जो है वो खतरे में बताई जा रही है, चाहे वो RBI हो, चाहे वो CBI हो और चाहे वो लॉ मेकिंग का प्रोसेस हो. MPs की बात करें, लॉ मेकिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं लेकिन MPs किस तरह के आ रहे हैं, वो जो एक जिसको बोल सकते हैं कि एक फेज़ जैसा चल रहा है कि बहुत सारे MPs ऐसे भी हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनके ओपिनियंस ऐसे हैं. कुछ तो ये बोलते हैं कि भाई एवोल्यूशन ही नहीं हुआ है, इंसान कभी मंदिर था नहीं, तो अनसाइंटिफिक बातें भी कर रहे हैं. कुछ ये कह रहे हैं कि भाई वो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई कोई ओपोजिशन की पार्टी के लीडर हैं, उनके पास मारक शक्ति है, अंधविश्वासी बातें करना, इस तरह की बातें करना, और स्टेट्स में कहीं पर जो है जहाँ पर हवन वगैरह होना, ये सब बातें देखिए रिलीजियसली तो ये चीज़ ठीक है, कोई इस तरह की बातें बोल सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर इनका स्थान नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने अंधविश्वास से ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को माना है और उसी के हिसाब से बात होनी चाहिए. लेकिन अगर पार्लियामेंट्स के अंदर और विधानसभाओं के अंदर अगर हवन होने लग जाएंगे, वहाँ से रिलीजियस डिस्कोर्स स्टार्ट हो जाता है और इस तरह की अंधविश्वासी बातें, अनसाइंटिफिक बातें अगर करने लग जाते हैं वो चुने हुए जो लोग हैं, तो बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है. तो ऐसी बातें जो हैं वो बहुत डेंजरस हैं क्योंकि ये बातें सिर्फ लोगों की अंधविश्वासी सोच को सेटिस्फाई करने के लिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अधिकतर जनसंख्या है वो इन बातों पर बिलीव करती है इसलिए वैसी बातें करते हैं. जबकि
ये बातें जो हैं वो अनडेमोक्रेटिक हो गई इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से। कहीं से भी इनमें ये नहीं दिख रहा कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका कोई रोल इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसमें लग रहा है कि लोगों का जो ओपिनियन है उसके हिसाब से जो इंडिविजुअल जो बातें कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इंस्टीट्यूशंस का डिक्लाइन जो है वो देखा जा रहा है, ये बड़ी दिक्कत है। अब पॉपुलिस्ट्स डू नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, जैसे मैंने बोला कि पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं उनको क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता है। उनकी लैंग्वेज जो है वो तो रहती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की, क्योंकि वो इंटरेक्ट होते हैं पब्लिक से और एक तरफ बात होती है, कोई उसमें इंटरेक्शन तो होता नहीं है, तो एक तरफ बात होती है तो उसमें वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं कि देश को इतना विकास लेके जाना है, इतना वो करना है, तो लैंग्वेज जो है वो तो डेमोक्रेटिक होती है, लेकिन जो तरीका है, जो काम करने का तरीका है, उसमें दिन रात का फ़र्क है। लोग बोलते हैं हम लोगों का ये ध्यान रखेंगे, हम लोगों का वो करेंगे, लेकिन अगर कोई कोई भी काम के लिए कोई अगर मिलने कहीं पर जाता है या फिर कोई अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करता है या फिर अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करता है, वो पॉसिबल बहुत ही रेयरली होता है। ठीक है, कोई लीडर से मिलना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, कोई अपने एमपी एमएलए से भी मिलने के लिए बहुत जो है आम आदमी को धक्के खाने पड़ते हैं। दूसरा, जर्नलिज्म का जो तरीका है जिससे बात पहुंचाई जा सकती है, जो कुछ ऐसा हो सकता है, उसमें भी बड़े खतरे खड़े हो गए हैं। जैसे कि अभी यूपी का एग्जाम्पल आया जहाँ पर एक स्कूल के अंदर नमक के साथ बच्चे रोटी खा रहे थे और उस एक जर्नलिस्ट ने उसका वीडियो बनाया और उसको वायरल कर दिया, और ये शॉकिंग है, ये बहुत बड़ा शॉक चल रहा है 3-4 दिन से, कि उसके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने का चार्ज लग गया है, कि गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उसने की है। अब ये तो सोचने वाली बात है कि इसमें कौन सा एंगल जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताता है, और कैसे कॉन्स्पिरेसी हो गई कि किसी जगह पर प्रॉब्लम है, नमक के साथ बच्चे रोटी खा रहे हैं, तो वो एक तो चीज़ वो सच्चाई बता रही है कि भाई ये तो क्लियर दिख रहा है वीडियो में कि वो बच्चे खा रहे हैं, अब वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे है, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो ये दिक्कत है, ये पॉपुलिस्ट लीडर्स की दिक्कत है सारी की सारी, और ये क्रिटिसिज्म नहीं चाहते हैं। पार्लियामेंट्स के बारे में बात की जाती है कि भाई पार्लियामेंट जो है वो एक्चुअल फॉर्म होती हैं डेलिब्रेशन का, जहाँ पर लोग चुन के आते हैं और वो फिर लोगों के हिसाब से जो है उनकी जो प्रोग्रेसिव जो एक एम है उनका, उसके हिसाब से जो कलेक्टिव एक डिमांड है उसको वो रखते हैं वहाँ पर। यही काम जो पार्लियामेंट्स के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स का होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव्स जिस तरह से बात कर रहे हैं उनसे एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी लो होती जा रही हैं कि भाई वो प्रोग्रेसिव बात कोई वहाँ पर उठा पाएंगे। क्वालिटी डिबेट बहुत कम हो गई है पार्लियामेंट के अंदर, ये चीज़ देखी जा रही है दुनिया भर में। अब देखिए, लॉ मेकिंग बॉडीज़ ही नहीं होती हैं पार्लियामेंट अकेली, वो फोरम भी होते हैं जहाँ पर जो है डेलिब्रेशन होता है एंड मीडिएशन जो होता है वो एनकरेज होता है और क्रिटिसिज्म को फैसिलिटेट किया जाता है, क्रिटिसिज्म वहाँ पर होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, प्रैक्टिकली क्या हो गया है कि जैसे मेजोरिटी कहीं पर आती है तो जो उनका कुछ कोई पॉपुलर जो लीडर है वो जो बोलता है वही काम करेंगे, विप वाला जो सिस्टम है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला जो सिस्टम है उसके अंदर क्या है कि जो लीडर ने डिसाइड कर लिया वही पार्टी का एक ओपिनियन होगा और उसके हिसाब से सारी वोटिंग होगी, उसके हिसाब से सब बातें होंगी, उसके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता, चू भी नहीं कर सकता, उसकी कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। इसका मतलब इंडिविजुअल ओपिनियन तो रहा ही नहीं किसी एमपी का, इसका मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है वो प्रैक्टिकली डेमोक्रेटिक ही नहीं है, वो किसी लीडर के हिसाब से इनडायरेक्टली डिसाइड हो रहा है और वही प्रोपोगेट हो रहा है। तो ये चीज़ तो अथॉरिटेटिव तरीके की होती है, ये तो पार्लियामेंट और डेमोक्रेटिक वे नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली दुनिया में दिख रहा है। US का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि भाई रिपब्लिकन जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं सेनेट को, और जो बहुत सारे जो मेंबर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, कुछ और भी जो लोग हैं जो कि ऐसे बिल्स लेके आ रहे हैं जहां पर डेमोक्रेसी जो है वो बची रह सके और एक बैलेंस बना रहे। देखिए, एक चीज़ होती है कि भला तो कोई नहीं है, देवता कोई भी नहीं है, ना ओपोजिशन वाले ना जो रूलिंग जो पार्टी होती है वो भी नहीं है, लेकिन बात ये होती है कि कोई भी एक्सेस करता है, रूलिंग पार्टी एक्सेस करती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ओपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ओपोजिशन चाहे वो अपनी ही एग्जिस्टेंस चाहता हो लेकिन उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बैलेंस करता है एक दूसरे को, वो बैलेंस ही काम आता है डेमोक्रेसीज के अंदर, क्योंकि वहाँ पर कोई बहुत भले और सेक्रीफाइस करने वाले बलिदानी लोग तो बैठे नहीं हैं, ये तो सच है आज के दिन, इसलिए बैलेंस होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं दिख रहा है, जो भी बिल आता है वहाँ पर देखिए प्रेजिडेंशियल सिस्टम है, तो उसको प्रेजिडेंशियल सिस्टम होने के कारण उसको अपोज कर दिया जाता है और उसमें वीटो कर सकता है प्रेसिडेंट, जो आपको पता ही है, जो बिल आता है उसको ब्लॉक करने की कोशिश है। तो यहाँ पर वही मेजॉरिटी लीडर्स जो हैं जैसे कुछ सेनेट के अंदर, वो सीधा यही बोल रहे हैं कि भाई जो भी ऑपोजिशन बिल ला रहा है वो बिल्कुल ही गड़बड़ है, ग्रिम रीपर उनको बोला जा रहा है कि ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, जबकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय वहाँ पर रिपब्लिकन्स के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट है। ऐसे ही ट्रंप के नॉमिनी जो हैं वो जुडिशरी के अंदर आ रहे हैं, जो कि बायस्ड जजेस बोले जा रहे हैं कि वो बायस्ड हैं और वो
एकदम वैसी बात डिसीजन दे रहे हैं, वैसी बातें कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल लिबरल वेज जैसा अमेरिका में नॉर्मली रहते हैं वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट हैं, और एक्सट्रीमिस्ट और राइट विंग जो ओपिनियंस हैं उस तरीके के लोग जो हैं वो जजेस ऐसे अपॉइंट हो रहे हैं और वो ट्रंप के नॉमिनी हैं और वही दे रहे हैं। तो जैसे जो रेसिज्म का जो इशू चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है अमेरिका में चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मूवमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका का जो सिस्टम है सिविल सोसाइटी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ का जो जो एक मीडिया का जो सेक्शन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह बिल्कुल सब कोई तलवे चाटने में लग गए हैं, ऐसा नहीं है। एक बड़ा सेक्शन है जो सीधा क्वेश्चन पूछता है और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आपको याद होगा पिछले दिनों ट्रंप को ओपनली और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और लगातार क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रंप ने लगातार उसको ये बोला कि तुम जो है बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल हो, ये सब कुछ है, तो CNN जो है उसके जर्नलिस्ट ने पूरा ओपनली क्वेश्चन पूछे थे। ऐसा आप इंडिया में नहीं देख सकते हो कि कोई प्राइम मिनिस्टर से सीधा क्वेश्चन पूछ पा रहा हो और उसका काउंटर उसकी बात चल रही हो, ऐसा बिल्कुल इंडिया में पॉसिबल ही नहीं दिख रहा आज के दिन, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये अमेरिका इस मामले में काफ़ी बेटर है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अमेरिका में भी ये समस्याएं हैं। ऐसे ही बोरिस जॉनसन का जो इशू, इन्होंने अभी 5 वीक के लिए और पार्लियामेंट को शटडाउन करने की बात की है ताकि ब्रेग्जिट का जो इशू है उसके ऊपर डिस्कशन कोई लीडर जो दूसरे हैं वो नहीं कर पाए इतना। ये एक बड़ा ही अनडेमोक्रेटिक मूव है और बड़ा एक डेंजरस मूव है, क्योंकि इतना बड़ा इकोनॉमिक इशू चल रहा है ब्रेग्जिट का और उसके अंदर और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि डिस्कशन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जिन्होंने शटडाउन अनाउंस कर दिया है, उसका बड़ा कोई रीज़न जो है वो भी प्रैक्टिकली नहीं दिख रहा है, जबकि ये टाइम क्रूशियल है और ये डिस्कशन होना चाहिए इस टाइम पर, लेकिन ये केओस जो है इकोनॉमिक वो क्रिएट हो सकता है इस कंडीशन में, वो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दिक्कत है। ठीक है, और इसमें देखिए कुछ लीडर्स ने करेज भी दिखाया, जैसे एक रूलिंग पार्टी के जो मेंबर थे फिलिप ली, उन्होंने फ्लोर क्रॉस कर लिया है और वो ओपोजिशन में चले गए हैं, और लिबरल जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके अंदर उन्होंने ज्वाइन कर लिया और माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। देखिए माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या होती है, शैडो कैबिनेट ब्रिटेन में चलती है, कि जो ऑपोजिशन जो होता है वो एकदम वैसे ही अपने तय करता है मेंबर्स को जैसे गवर्नमेंट में है, वहाँ पर कोई अगर होम मिनिस्टर है तो उसकी तरह ही यहाँ पर काम करेगा, वो उनके वेज को जो है एक तरह से कॉपी करते हैं और उन्हीं की तरह एक अल्टरनेटिव बनाते हैं कि भाई एक तो सरकार में होम मिनिस्टर है, एक हमारे पास में वैसा ही एक मेंबर है जो उस तरह का काम कर रहा है, जो देश की समस्या को देख रहा है और उसके हिसाब से ही ओपिनियन भी रख रहा है। कल को कुछ भी होता है तो रेडिली एक गवर्नमेंट अवेलेबल करवाई जा सकती है, कोई लॉ मिनिस्टर है तो उसकी तरह एक होगा यहाँ पर, तो वो वहाँ पर शेडो कैबिनेट होती है एक, ये एक बड़ी अच्छी बात है ब्रिटेन में, लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, और इंडिया में ओपोजिशन को जो क्रश करने का जो एक बहुत ही डेलिबरेट अटेम्प्ट चल रहा है वो बहुत बड़ा खतरनाक है। ऐसा ब्रिटेन में नहीं होता है, वहाँ पर बाई पार्टी सिस्टम है, लेकिन इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर कोई ये डिसीजन ही नहीं हो पाता कि ओपोजिशन है कौन, और जो भी है वो एक तो डिवाइडेड है, कमज़ोर है और उसको और क्रश किया जा रहा है, ये बड़ी समस्या है। हालांकि वो कोई भले लीडर इतने नहीं है, लेकिन बैलेंस वाला जो कंडीशन है वो बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये एक लाइन जो है वो सब कुछ बता देती है कि दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ डेमोक्रेसी बट देयर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल आर रैंकली अथॉरिटेरियन। ये चीज़ है और ये अगर परसिस्ट करता है तो सच में डेमोक्रेसीज के लिए बड़ा खतरा है और फ्यूचर के अंदर बहुत बहुत बड़ी समस्याएं जो हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आज के दिन डेमोक्रेसी नाम की है लेकिन तरीका जो है काम करने का वो अथॉरिटेटिव है। आज इसके सिंबल्स क्या हैं, देखिए आप, इसके सिंबल्स ये हैं कि हर चीज़ के अंदर किसी एक लीडर को प्रमोट करना, हर बात के अंदर उसकी बात बोलना, हर बात के अंदर ये बोलना कि उसका विजन है, उसकी गाइडेंस है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, रेस्पेक्ट देना अच्छा है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। रेस्पेक्ट जो है वो कभी भी इस तरह के वे में डेवलप नहीं होनी चाहिए कि जो अथॉरिटेटिव हो जाए, जहाँ पर एक आदमी इतना इंपॉर्टेंट हो जाए कि वो एकदम देश के पैरेलल खड़ा कर दिया जाए और वो जो बोल रहा है उसी के चले और उसके बाद में अथॉरिटेटिव वेज एस्टेब्लिश हो जाएं, ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए रेस्पेक्ट जो है उसको उसका एक लिमिट होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज़ को रेस्पेक्ट को आप कन्वर्ट कर दो ओवर हाइप के अंदर, वो हाइप नहीं क्रिएट होना चाहिए, वो इस देश में चल रहा है, वो हर देशों में चल रहा है, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो US हो, चाहे वो कोई दूसरा इटली हो, कोई दूसरा देश हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें फिर दिक्कत क्या होती है कि फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो पेरिश करता है और अथॉरिटेरियन वेज जो है वो डेवलप हो जाते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि आज के दिन आप जानते ही हो, और इसको प्रमोट देखिए कितना शानदार तरीके से न्यूज़ चैनल्स करते हैं, उनके ऊपर पर्टिकुलर स्टोरीज चलाते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई बहुत बड़े माफिया के डॉन है, इस तरह से जो उसको पोस्ट किया जा रहा है आपने देखा होगा, जबकि लैंग्वेज में
बहुत स्मार्टली वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं कि मतलब बहुत डेकोरेटिव, बहुत ग्लोरिफिकेशन करना, लेकिन जो इमेज जो निकल के आ रही है, जो पिक्चर्स जैसे आप वो स्टोरीज में दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे कोई माफिया के डॉन है बहुत बड़े, ये बहुत दिक्कत है, समस्या खतरनाक है और इसको ज़रूर चेंज होना चाहिए, वरना डेमोक्रेटिक तरीकों के ऊपर बड़ी तलवार लटक रही है आज के दिन। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बात करता है एक प्रॉब्लम के लिए, वो जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रही है उसके अंदर जो बॉर्डर इकोनॉमीज़ जो हैं उनके ऊपर बड़े खतरे खड़े हो गए हैं। बॉर्डर इकोनॉमीज़ के लिए जो निकिता सिंगला और अफक हुसैन की एक रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि अभी जो ये डिसीजन आया है उससे पहले से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी कि जो $2.5 बिलियन का जो एक इकोनॉमी था वो और काफ़ी प्रॉब्लम में आ गया है, जो बायलैटरल ट्रेड है जो अक्रॉस बॉर्डर होता है, और जो बॉर्डर के जो एरियाज जैसे इंडिया में अमृतसर वगैरह है और पाकिस्तान में जो एरिया है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, और पाकिस्तान को जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो $2.6 बिलियन था और हम जो इम्पोर्ट करते हैं वो सिर्फ $495 मिलियन है। इसका मतलब नुकसान इंडिया को ज़्यादा इसमें हो रहा है। MFN स्टेटस जो विड्रॉ किया गया है, इंडिया ने उसका डिसीजन लिया था और 200% ड्यूटी उसमें लगा दी पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इसमें देखिए पाकिस्तान का एक्सपोर्ट तो हट हुआ ही हुआ, लेकिन इंडिया वाला जो एक्सपोर्ट होता है वो भी बहुत प्रॉब्लम में आया है। अब इसमें देखिए गवर्नमेंट्स ने तो डिसीजन ले लिया और सब ने उसको नेशनलिस्टिक हेल कर दिया, लेकिन जो बॉर्डर इकोनॉमीज जो हैं, जो बिज़नेस चलाते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग जिनका बिज़नेस वहाँ पर चलता है, वो बहुत प्रॉब्लम में इसमें आ गए हैं क्योंकि अटक गए हैं वो सारे के सारे। चीज़ों की नीड है, अब नीड के हिसाब से ही ट्रेड चलता है, इसका मतलब नीड तो है लेकिन चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, और बॉर्डर एरियाज़ में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो आपस में उनका एक्सचेंज होता है, उनका ट्रेड होता है, तो वो ज़रूरी है। अब वो जब नहीं होंगे तो फिर वो कैसे उसकी सप्लाई होगी, ये बड़ी समस्या हो गई है। अब देखिए वाघा अटारी बॉर्डर जो है वहाँ पर इन पाकिस्तान के फेवर में अधिकतर रहता है, ये तो बड़ी समस्या पाकिस्तान को भी हुई है, लेकिन जैसे अमृतसर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अमृतसर के अंदर बहुत सारा जो इकोनॉमी है, कोई बड़ा कोई बिजनेस वहाँ पर अपना खुद का नहीं है, ये बॉर्डर इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो सारे बिजनेस जो वो हर्ट हुए हैं, और जो ट्रक्स आते हैं उधर से जो कि जिप्सम वगैरह लेके आते हैं और उसका बहुत नीड है इंडिया के अंदर, वो लेके आते हैं और यहाँ से जब इंडिया से जब वापस जाते हैं तो उसके अंदर यार्न वगैरह कॉटन का ये सब कुछ जाता है, तो यूपी से लेकर पंजाब तक आता है, वहाँ से फिर उधर जाता है, तो कॉटन का इंडिया से जो ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट जो होता है पाकिस्तान को, वो बड़ा हर्ट हुआ है, बहुत हर्ट हुआ है। और अब देखिए नीड तो है, इसका मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं से तो पॉसिबल होगी, या तो कहीं और से उसको इम्पोर्ट करो या फिर कोई दूसरा तरीका निकालो। दूसरा तरीका क्या है, वो है कि जो घूम फिर के फिर ये आएगा इस पेज में, आप देखिए रूट, वो रूट होगा फिर कहाँ से रूटेड होगा, कि यूएई से आएगा, सिंगापुर से आएगा, क्योंकि सीधा इंडिया पाकिस्तान के बीच में अलाउ नहीं है, तो जो चीज़ बॉर्डर के थ्रू जा पा रही थी सिंपल सा छोटे से रास्ते से, अब वो ब्लॉक हो गया, तो वो चीज़ वहाँ पहले यूएई जाती है, सिंगापुर जाती है, वहाँ से फिर पाकिस्तान जाती है, तो बहुत महंगा हो गया है और बहुत बड़ी समस्या दोनों देशों के लोगों को हो रही है। देखिए इसमें आम लोग पिसते हैं, तो ये एक इशू तो है, लेकिन वही बात है कि भाई इतना बड़ा इशू है, नेशनलिस्टिक इशू है, तो इसको सपोर्ट तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल जो डिफ़िकल्टी है वो तो रहेगी ही, और उसी के बाद उन्होंने की है। देखिए इसमें अमृतसर में 5,000 फैमिलीज़ जो हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हुई हैं, और बायलैटरल ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट था, बहुत सारे बिजनेसेस डिपेंडेंट थे, आज उनको बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जहाँ पर हर महीने 25 से 30 करोड़ जो है वो ऐड होते थे इकोनॉमी के अंदर, लोकल इकोनॉमी के अंदर, वो उसका 3/4 जो है वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुका है, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में बस इतनी बात बोली गई है, बाकी तो देखिए वही बातें हैं कि मतलब वही जो सेंटिमेंट जो है उसके अगेंस्ट है कि भाई ये डिसीजन ले लिया गया है, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है और इसके अंदर सब लोग साथ तो हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम हो गई है, ये सब कुछ हो गया है, तो वो तो वही रिपीटेड बातें हैं, तो ये इशू था। नेक्स्ट फैक्ट जो है वो LNG पैक्ट साइन हुआ है रशिया के साथ में, मतलब ये होगा साइन, और जो अभी ईस्टर्न जो इकोनॉमिक फोरम जो है, जो कि एक इंडिया का जो एक चलता है लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो चलती है इंडिया की, जो साउथ ईस्ट नेशंस के रिगार्डिंग चलती है, खासकर आसियान वगैरह कंट्री के रिगार्डिंग, वैसा उसको आप मान सकते हो कि एक रशिया का कंपोनेंट है इंडिया का, जो ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो हम हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए 2015 से ही चल रहा है ये, ठीक है, जो व्लाडिवोस्टोक जो एरिया है रशिया का, जो खास जो जहाँ पर यूनिवर्सिटी है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, और वो वहाँ पर ये समिट हो रहा है, 15 से ही चल रहा है, और वो सारा किस लिए है कि भाई रशिया बहुत बड़ा है, यूरोपियन रशिया वेस्ट में है और बाकी सारा एशियन रशिया है, एशियन रशिया पर काफ़ी फोकस बढ़ गया है रशिया का 2014 के बाद से,
क्योंकि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका रशिया के ऊपर लगे हैं उसके बाद से वो अपने ईस्टर्न पार्ट को डेवलप करना चाहता है, और वहाँ पर हम पहली बार इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर बहुत सारे अनाउंसमेंट्स की बात है। इसके रिगार्डिंग हमने पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि भाई वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोफेशनल्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए और नर्सेस चाहिए, ये सब हम यहाँ भेज सकते हैं और वो एरिया उनको डेवलप करना है, हम इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर कर रहे हैं। तो ये एक विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पहले प्राइम मिनिस्टर जो होंगे जो वहाँ पर एक्टिवली और उसमें एक स्टेक होल्डर होंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, उनकी विजिट भी हुई थी 29 और 30 अगस्त को, अब जो है मोदी जी वहाँ पर जाने वाले हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो देखिए एलएनजी का और मेजर अग्रीमेंट साइन हो सकता है इंपोर्ट का। आपको पता होना चाहिए दुनिया की 25% जो गैस का जो प्रोडक्शन होता है वो रशिया से होता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, कैबिनेट ने इथेनॉल प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो बढ़ा दी है। देखिए नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 के अंदर, जिसमें 20% तो एथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल में एथेनॉल मिलता है और बायोडीजल जो है उसकी 5% ब्लेंडिंग होगी। ये 2030 तक का हमारा गोल है। अब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का चाइना और यूएस के बाद में, तो हमें बायोफ्यूल्स की ज़रूरत तो होगी, और ये प्रोग्राम जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम, उसके अंदर गवर्नमेंट भी शामिल है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी शामिल है, और ये इसमें करते हैं दोनों, तो ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। और इसमें देखिए किसानों की हेल्प के लिए और इस इंडस्ट्री की हेल्प के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है बढ़ाई गई है इथेनॉल की। अब ये कहाँ से बनता है, देखिए जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट के जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो शुगर्स हों, चाहे वो कोई भी हों, प्लांट्स हों, अब आप देख रहे हो गन्ना काट रहा है ये जो लड़का है, गन्ना काट रहा है, इस गन्ने का जो ये मतलब जो इसका सारा कचरा जो निकलता है उसको बगैसे बोलते हैं, उसका रस निकालेंगे तो उसका रस निकाल के लास्ट में मोलास बनता है, ये मोलासेस होते हैं, इस तरह से ब्लैक एक पेस्ट बनता है, इससे फिर जो है चीनी बनती है, और आपको पता ही होगा इसका फर्मेंटेशन होता है तो फिर वो बियर वगैरह सब बनते हैं, और इसी से और इथेनॉल भी बनता है, तो इथेनॉल शराब में भी इथेनॉल होता है आपको पता ही है, और वही इथेनॉल जो है पेट्रोल में मिला सकते हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इसकी प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो बढ़ाई गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इश्यूज़ जो है वो एमसीक्यूज़ में लेंगे, और अभी इस लेसन को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी।